गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली नेचर प्रोवाइड्स मैनी थिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दैट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। द वाटर इज नेचुरल रिसोर्स, सॉइल इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स एंड मिनरल इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। But these natural resources, some are present in unlimited quantity and some are present in limited quantity. So on the basis of that, they can be further be named as renewable and non-renewable natural resource. In your book, it is also further classified into two categories, inexhaustible natural resource and exhaustible natural resource. दोस्तों, जो नेचुरल रिसोर्स हमारे नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे मिलते रहेंगे, हम उनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सनलाइट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सन से मिलती है, जिसको हम सोलर लाइट को यूज़ कर सकते हैं। एयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ड्यू टू सनलाइट, अनइवन हीटिंग ऑफ आवर लैंड द एयर करंट इज जनरेटेड एंड वी कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सेम वे वाटर, इट इज रिसाइकल्ड बाई वाटर साइकिल ऑन आवर एनवायरमेंट एंड वी आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये नेचुरल रिसोर्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली रिसाइकिल होते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल है। सेकेंड कैटेगरी है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। द अमाउंट, हम इसको अमाउंट के बेस पे बात करें तो ये कहेंगे इट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, बिकॉज इनके बनने में भी हमें लाखों साल लगते हैं और अगर ये हम ढंग से यूज़ ना करें, अनइवन यूज़ करें, अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ करें तो कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, अगर हम रेगुलरली फॉरेस्ट को काटेंगे तो सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे और फॉरेस्ट को उगने में और बनने में कई बार 100 साल तक लगते हैं। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है हमारे एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इनका अनकंट्रोल्ड वे में इनकी हंटिंग होगी तो हमारी जो एनिमल स्पीशीज़ है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और वो हमें हम फिर कभी देख नहीं पाएंगे। मिनरल्स, वी गेट मिनरल्स फ्रॉम अवर सॉइल। मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल, मिनरल्स से हमें मेटल्स मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऑल दिस थिंग। और उसके अलावा हमें नेचर से मिलता है फॉसिल फ्यूल, जिसको हम नेचर में रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैसेस। दोस्तों, फर्दर मूव करते हैं पेज नंबर 57 के ऊपर। हम यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर मेंशन है फॉसिल फ्यूल, व्हाट इज दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। फॉसिल फ्यूल, दे वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई वी कॉल फॉसिल फ्यूल। दोस्तों, हुआ क्या था, करीबन 300 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन के अंदर करीबन 10 लाख साल होते हैं, इस तरीके से 300 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, जितने भी हमारे फॉरेस्ट थे वो सभी के सभी किसी नेचुरल फोर्स के द्वारा, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो सुनामी हो, ये सारे फॉरेस्ट हैं वो ज़मीन के ऊपर हाँ। तो दोस्तों, करीबन 300 साल पहले हमारे जो अर्थ पर फॉरेस्ट हैं ये किसी नेचुरल एक्टिविटी, चाहे वो अर्थक्वेक हो या सुनामी हो, उस कारण से ज़मीन के नीचे मोटी लेयर के नीचे दब गए और ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल और ये सभी पेड़ हमें कोल के रूप में मिलते हैं। तो सभी फॉरेस्ट जो कि ज़मीन के नीचे दब गए थे ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ऑल दिस इनटू ए कार्बन फॉर्म इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। हाँ तो दोस्तों, जो भी पेड़ ज़मीन के नीचे दब गए थे, धीरे धीरे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से ये सभी कोल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि कोल रिच सोर्स है कार्बन का। तो इस स्लो प्रोसेस को, जिसके द्वारा कोई भी फॉरेस्ट और डेड वेजिटेशन है कोल में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन।
ये पैराग्राफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। दोस्तों, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रक्स के अंदर बहुत सारा कोल लोड होकर आता है। ये कहाँ से निकलता है? ये ज़मीन की एक मोटी लेयर को साफ़ करने के बाद गहरी माइंस में से निकलता है, जिसको हम कोल माइन कहते हैं। हमारे राजस्थान में भी दोस्तों आपको कोल माइन देखने को मिल सकती है। राजस्थान में बेसिकली बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर लिग्नाइट कोल माइंस हैं। अगर आप कभी जैसलमेर या बाड़मेर घूमने जाते हैं तो यू कैन विजिट दैट माइंस ऑल्सो, बट इन द पेरेंट केयर। ओके दोस्तों, कोल के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ है जिस जो कार्बन का रिच सोर्स है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों कोक कहते हैं। कोक में क्या है दोस्तों? ये टफ है, पोरस है, ब्लैक सब्सटेंस है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, और हम इसको स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जब हम लोहे को, आयरन को कन्वर्ट करते हैं स्टील में, तो मेल्टेड आयरन के साथ में कुछ हमें कोक भी डालना पड़ता है और निकिल और क्रोम भी साथ में डालना पड़ता है। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मेल्ट होती हैं और मिक्स होती हैं, तो आयरन में मौजूद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो कार्बन के साथ, कोल के साथ, कोक के साथ मिक्स होकर के रिलीज़ हो जाती है, और जो हमारा जो आयरन है ये स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कार्बन का एक रिच सोर्स और है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं कोल टार। दोस्तों, कभी आपने सड़क बनते हुए देखी होगी। ये कोल टार सेमी सॉलिड थिक क्वालिटी का लिक्विड है और ब्लैक कलर का होता है। इससे अनप्लेजेंट स्मेल आती है। इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ तो कोल टार, इसमें खुद अपने आप में 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस हैं जो प्रेजेंट होते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। कोल टार का यूज़ सड़क बनाने में तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, पेंट, फोटोग्राफी मटेरियल और रूफिंग मटेरियल के रूप में इसका यूज़ होता है। दोस्तों, सर्दियों में आपने नेफ्थलिन या फिनाइल बॉल्स तो देखी ही होगी। ये नेफ्थलिन बॉल्स जो वाइट कलर की होती हैं, जो इंसेक्ट्स और मोस को हमारे ऊनी कपड़ों से दूर करती है, बेसिकली ये भी हमें कोल टार से ही एक्सट्रैक्ट होता है, कोल टार से ही मिलता है। इसके अलावा हमें कोल टार से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बिटुमिनस मिलता है। ये बिटुमिन क्या है दोस्तों? दोस्तों, आजकल जो वाटरप्रूफ सड़कें बनाई जाती हैं वो बिटुमिन से बनाई जाती हैं। बिटुमिन और प्लास्टिक जो हम घर पर यूज़ करते हैं, वेस्ट मटेरियल, इन दोनों को एक हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर एक रबड़ की तरह सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, और इस रबड़ के इस तरह के सॉल्यूशन को हम अपनी सड़क के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इसको फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो ये वाटरप्रूफ रोड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। जहाँ नॉर्मल कोल टार की सड़क की जो ड्यूरेबिलिटी है वो करीबन 2 साल से 3 साल है और वो वाटरप्रूफ नहीं है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, जबकि बिटुमिनस और प्लास्टिक के ब्लेंड से जो बना हुआ पॉली ब्लेंड, जिसे हम कहते हैं, इसकी सड़कों की ड्यूरेबिलिटी 3 से 6 साल और 10 साल तक होती है। ओके दोस्तों, इसके अलावा हमें फॉसिल फ्यूल के रूप में कोल गैस और ऑब्टेंड होती है। ये कोल गैस कोल को जब कोक में कन्वर्ट करते हैं तो जनरेट होती है। कोल गैस बहुत लंबे समय से यूज़ हो रही है। लंदन में 1810 के अंदर जो शहर के अंदर रोशनी की जाती थी वो कोल गैस से, जब भी कोल माइंस को डिग करते थे उसमें से कोल गैस ज़रूर निकलती है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था और उसी से ही हम रोशनी करते थे। न्यूयॉर्क के अंदर भी 1820 के आसपास इसका यूज़ होता था, लेकिन इसका मेनली यूज़ सिर्फ लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए होता था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों पेट्रोलियम की। दोस्तों, पेट्रोलियम क्या है? जब ज़मीन में काफ़ी गहराई तक हम डिग करते हैं तो हमें गैस, ऑयल्स, वाटर और इसके अलावा रिजर्वायर गैस रॉक्स के नीचे चले जाते हैं, तो हमें थिक डार्क कलर्ड लिक्विड मिलता है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम अपने आप में भी करीबन 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को वो अपने साथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और हम इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये पेट्रोलियम बना कैसे दोस्तों?
वही सेम फिलॉसफी है दोस्तों, सेम प्रोसेस है। लाखों साल पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी में प्रेजेंट थे, वो अर्थक्वेक और किसी और नेचुरल फोर्स के द्वारा जो सॉइल की मोटी लेयर के नीचे दब गए, और उनकी जो बॉडी है सैंड और क्ले की मोटी लेयर्स के नीचे दबने से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से देयर डेड रिमेनिंग कन्वर्टेड इनटू ए ब्लैक कलर थिक फ्लूइड दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। दोस्तों